अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है शिमला मिर्च और कीमा। आज हम बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से शिमला मिर्च और कीमा बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ रेसिपी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। कीमा और शिमला मिर्च बनाने के लिए मैंने लिया है कीमा, ये 1.5 पाव के करीब कीमा है, इसको डाल देंगे। इसमें 2-2 प्याज हैं जो मैंने इस तरह काट लिए हैं, ये डाल दूंगी। लहसुन अदरक जाएगा, अदरक को मैंने इस तरह जुलियन शेप में कटिंग कर ली है, अदरक को मैंने लहसुन को मैंने चॉप कर लिया है, ये दोनों इसमें चले जाएंगे। टमाटर डालेंगे, एक बड़े साइज का टमाटर है, ये डाल दूंगी मैं। इसमें अब जाएगा ऑयल 1/2 कप। बहुत इजी वे में हम बना रहे हैं शिमला मिर्च और कीमा। ऑयल डाल दिया, अब इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी शामिल कर दिया, अब डालेंगे स्पाइसेस। 1 टीस्पून जाएगा नमक का, 1 टीस्पून इसमें जाएगा पिसी हुई लाल मिर्च का, 1/2 टीस्पून जाएगा हल्दी का और 1 टीस्पून इसमें जाएगा सफेद जीरा। ये सब चीजें मैंने इसमें शामिल कर दी। अब हम कीमे को अच्छे तरीके से मिक्स करके और फिर इसको हम पकने के लिए रख देते हैं, ताकि हमारा कीमा गल जाए और पक जाए, फिर इसके बाद हम इसमें बाकी का स्टेप लेंगे। अब इसे हम कर देते हैं कवर। हमारे कीमे का पानी काफी हद तक खुश्क हो गया है, अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, सारे मसाले जो हमने डाल के इसको बनाया, बहुत ही इजी वे में, आप भी ऐसे बनाएं। अब इसको मैं ड्राई करती हूँ इसका पानी बिल्कुल। कीमा हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है, ये देखें इसका घी भी निकल आया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है कीमे को, मैंने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया। अब इसमें हम शामिल करेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मैंने ली थी 1/2 किलो, ये मैं इसमें डाल दूंगी। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। शिमला मिर्च अपना पानी छोड़ेगी, इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं शामिल करेंगे और इसकी आंच को कर देंगे मीडियम टू लो हीट, ताकि शिमला मिर्च का पानी जितना है वो निकल आए और ये इसके अंदर गल जाए। अच्छे तरीके से इसको मैंने मिक्स कर दिया कीमे के अंदर शिमला मिर्च को। अब इसको हम कर देते हैं कवर और इसका वेट करते हैं। 10 मिनट के बाद इसको मैं चेक करती हूँ। शिमला मिर्च हमारी बहुत अच्छी तरीके से बन रही है, देखें शिमला मिर्च सॉफ्ट हो गई है, कितनी ज्यादा नरम हो गई है, गल रही है। बस इसको थोड़ा सा पानी और ड्राई होता है तो मैं इसको अच्छे तरीके से भूनती हूँ, क्योंकि शिमला मिर्च हमारी तकरीबन काफी हद तक गल गई है। कीमा और शिमला मिर्च हमारा बनके बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, गरम मसाला शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। बहुत ही शानदार हमारा शिमला मिर्च और कीमा बनके रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो न्यू कमर्स हैं मेरे चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।